ऐसा क्या है अरे भाई आ गया आ गया, आ गया बट ये तो बोल क्लिक हो गया तो ये लोग तो दिख रहा है। बोल 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 क्या हुआ क्या ओके ओके चालू 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 लेट द गेम बिगिन। यस गाइस प्लीज कंफर्म कर लो क्या आप मुझे सुन सकते हैं क्या मुझे देख सकते हैं इफ देन लेट द गेम बिगेन बुलेट थियरी रिविजन वीडियो बना रहा हूं मैं डेफिनेटली और नोट्स भी बना रहा हूं मुझे फटाफट एक बार बता दो कि तुम लोगों को क्या क्या चाहिए मुझे कमेंट पे बता दो समझ लो तुमने बोला और मैंने कर दिया हो गया बात कदम फुल स्टॉप ठीक है चलो वी आर जस्ट स्टार्टिंग यस yes. बोलो चलो करेंगे स्टार्ट यस लेट द गेम बिगिन आज तीन चैप्टर करने है मैंने बोला कि एक साथ ही उड़ा देता हूँ कहा अपने लिए एक जैसे ही है तो अपन तो उसको साथ में ही कर लेते क्या बोलते हो पब्लिक राइट right? अच्छा अभी तुम लोगों को क्या क्या चाहिए फटाफट बता दो यार एक तो थ्योरी का बहुत डिमांड आ रहा है कि आ, जो नॉन थ्योरी चैप्टर्स है उसका थ्योरी करवाना है तो चलो डन डील करवा दूंगा वो मैं और बोलो नेक्स्ट बोलो मुझे फटाफट बताओ एक बार कि ऑडियो और वीडियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बॉस तो वो चीज तो एक बार मेरे को कंफर्म करो कि ऑडियो वीडियो बराबर है कि नहीं है तुम लोग वो कन्फर्म करते हो तो आई विल स्टार्ट

एमटीपी में क्वेश्चन आया कुछ तो भी नेटिंग नेटिंग का पब्लिक बोल रहा है सर नेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अभी तक तो खाली थ्योरी था तो वो एक बार तुम लोगों को चाहिए तो करवा दूंगा मैं बोलो भविष्यवाणी क्वेश वाले क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेंगे एग्जाम के रात को 12 बजे ठीक है उसके पहले भविष्यवाणी कैसे करूं मैं गलत बात अरे नेट ही चालू है चलो ठीक है हम तो गलत बात नहीं ठीक है। देखो मैंने एमसीक्यू शेयर कर दिया है एमसीक्यू का जो ये तुम लोग का शीट है है वो शेयर कर दिया है तो प्लीज वहां से तुम लोग पिकअप कर लो और ये जो लाइव चल रहा है उसका भी लिंक मैं तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूं वीडियो को लाइक कर दो फटाफट पड़ यार क्यों कंजूसी करते हो तो वो एक है मेरा प्लान आई विल ट्राई टू डू दैट एम में और कोई क्वेश्चन मस्त वाला ऐसा कोई जो तुम लोगों को चाहिए कि हो जाए तो बोलते देना फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेशन को तो. पर आपको तो आइडिया रहेगा ना कि क्या आ सकता है आइडिया तो क्या बोलो यार तुक्का है भाई कभी कभी लग जाता है और क्या ओके नमस्ते संकल्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस सेशन में आज अपन करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यस एंड यस इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला जिसका सबसे अपने को बेसब्री से इंतजार रहता है एंड दैट इज फॉरेक्स माय फेवरेट चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज जितना जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे उतना के लिए है ओम ओम मार्जिन ऑन इंटर बैंक रेट फॉर ट्रेवल रिलेटेड रेमिटेंसिस इफ इन इंटर बैंक मार्केट द यूएसडी कोटेड इज देन मिस्टर हरी को कितना पे करना पड़ेगा अब प्राइमा फेसी तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा मैं आपको बता देता हूं प्राइमा फेसी तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा बट एग्जाम के टाइम पे है ना ये एकदम सिंपल सी चीज में भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, ट्रिपल कंफ्यूजन आ सकता है सो वी हैव टू बी वेरी श्योर विद आर कॉन्सेप्ट ठीक है ये एमसी क्यू है ना यही एक गेम है कि चलो एक थियोरी वाला एमसी क्यू आया तो चलो अपने को आंसर पता होगा वी कैन राइट इट बट अगर ये फॉरेक्स डेरिवेटिव ये सबसे रिलेटेड कोई एमसी क्यू आया ना तो वो टाइम पे आपको बहुत स्टेबल रह के कॉन्फिडेंट रह उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सो प्लीज एंश्योर दैट आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है चलो लेट स्टार्ट विद दिस तो अभी देखो हरी अप्रोचेस फॉरेक्स डीलर तो अभी हरी गया फॉरेक्स डीलर के पास और वो बोलता है कि बॉस मेरे को डॉलर चाहिए मैं रूपीज दूंगा डॉलर चाहिए तो सामने वाला क्या कर रहा है देखो हरी इज परचेजिंग हरी इज द कस्टमर हरी इज

बराबर है बैंक सेल कर रहा है मतलब आस्क रेट पे सेल करता है, है। अब मार्जिन ऐड करना है कि लेस करना है तो ध्यान रखना मार्जिन इज डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर अगर कस्टमर किसी चीज को परचेज करता है तो मार्जिन इज ऑलवेज एडेड तो यहां पे मार्जिन है 1.00 का सो एटी सिक्स पॉइंट फाइव रुपीज इज द फाइनल प्राइस ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए एंड यही मैं बोल रहा था कि एग्जाम में थोड़ा सा ये सब चीज अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम सो मार्जिन से रिलेटेड देखो मैंने ना मैजिक uh, बुक में तो डाला ही है मैं जब वीडियो बना भी रहा था ना रिविजन का तभी भी मैंने उसको एकदम प्रॉपरली करवाया मी चेक मी चेक मी चेक गया मार्जिन मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे तो इधर ही दिखा देता हूं छोटी छोटी चीजें करेंसी तो यहाँ पे हमारा जो हीरो बाय कर रहा है एंड अगर वो करेंसी को बाय कर रहा है तो मार्जिन को एड करना है अपन लोग ने एड कर दिया है एंड द आंसर इज एटी सिक्स पॉइंट फाइव फोर्थ डन नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यूएस डॉलर इज कोटेड टुडे एट द रेट स्पॉट इक्वल टू एटी थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ लॉजिक है ये तो एकदम बच्चा भी छोटा बच्चा छोटी बच्ची हो गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन है बॉस आज अगर एक डॉलर एट्टी रुपीज में मिल रहा है और कल छह महीने बाद डॉलर अगर एट्टी रुपीज के जगह एट्टी थ्री रुपीज हो गया है डॉलर का भाव बढ़ गया तो डॉलर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम और आंसर इज यस तो फोर्थ आंसर आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का भी नेक्स्ट निशा निशा से देखो मिस्टेक हो गया कस्टमर इज सेलिंग सो लेस वन मैडम हरी कर रहा है सो इन शॉर्ट कस्टमर इज परचे करना है तो एड हो जाता है मार्जिन तो एटी सिक्स पॉइंट फाइव हो जाएगा हेलो गॉट इट डन चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ऑन अक्टूबर टेन ट्वेंटी टू स्टॉक एक्सचेंज रेट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू फाइव टू फाइव सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नाइन फोर फाइव एंड टू मंथ पॉइंट वॉट विल बी एक्सचेंज रेट आफ्टर टू अपन लोग क्या हो जाएगा तो सिक्सटी सिक्स टू फाइव टू फाइव इसमें क्या बोला है यह हो जाता है प्लस सिक्स ऐड करो तो ये हो जाता है 2650 66.2650 ठीक है एंड देन दूसरा क्या है दूसरा सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव नाइन फोर फाइव क्या ऐड करना है वन ऐड फाइव एड करना है तो पॉइंट फाइव नाइन फोर फाइव में वन नाइनटी फाइव एड कर दिया है ओ पॉइंट सो फाइव नाइन फोर फाइव प्लस 195 ऐड कर दिया है तो आ गया 6140 तो 67.6140 चलो भाई इसी के साथ मुझे जवाब मिल गया है एंड द आंसर इज फोर ठीक है तो यहां पे मैं तुम लोगों को साथ में सॉल्यूशन भी देते दे दे जा रहा हूं तो अपने को टेंशन नहीं रहेगा बस गॉट इट नेक्स्ट फोर्थ 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 देखो क्या है दैट थ्योरी सब्सटेंसियस

बैंक बोलता है तेरे को एफडी पे आठ दिया कहा पे इंडिया में और यही बेचारा बंदा गया यूएसए में यूएसए वाला बोलता है तेरे को एफडी पे चार दिया खाली फोर परसेंट दिया अब होगा क्या है? यहाँ पे इधर इसका इन्फ्लेशन है सिक्स परसेंट इसका इन्फ्लेशन है टू परसेंट आपको से रियल रेट मिल गया इधर टू इधर भी टू नाउ टेल मी अगर मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं पैसा अगर मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं पैसा आठ परसेंट के हिसाब से बट इन्फ्लेशन अगर छह परसेंट है तो मुझे तो रियल रिटर्न खाली टू परसेंट का ही मिलेगा अफसोस करेक्ट एंड दैट्स व्हाट फिशर फिशर सेड बोलता है कि बॉस इवेंचुअली जो आप लोगों का इंटरेस्ट रेट है ना उसके साथ जो डॉलर या जो भी करेंसी है दैट कनेक्शन विल ऑलवेज ऑलवेज वर्क

सो so, यहाँ पे इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट हो गया ठीक है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के हिसाब से बिकॉज़ द वर्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज यूज्ड वी विल गो अहेड ठीक है सो डन फिर बाद में नेक्स्ट इफ यूएसडी आईएनआर इज ट्रेडिंग एट 83.2 क्लियर है हां इफ यूएसडी आईएनआर इज ट्रेडिंग एट 83.2 एंड 1 ईयर स्वॉप एनुअलाइज्ड प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 6 86.8 परसेंट, व्हाट विल बी द नेट आउटराइट रेट? सो 83.2 है, और वो लोग क्या बोल रहे हैं? एनुअलाइज प्रीमियम 6.8 परसेंट का। लाइफ में अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी लॉटरी है, तुम्हारी लॉटरी है। सो so, बोलो क्या आ जाएगा? 83.2 है एंड यहां पे uh, 6.8 है So, बोलो वॉट विल बी द नेट आउटराइट रेट अभी वो तो कैलकुलेट करके बताओ सब लोग फटाफट कौन करेक्ट सो इट इज एंड ये रहा आंसर उसका फोर ठीक है देखो साथ साथ में हो जाएगा फटाफट करते जाओ मेरे साथ में अभी हो जाएगा तुम लोग का और तुम लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई चलो आईसी है पोर्टल अपना कंप्लीट हो गया एमसीक्यू से रिलेटेड सर इतना एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू आने का चांसेस है क्या कुछ एमसीक्यू एकदम सिंपल ऐसे आएंगे और अगर करके गए होगे ना तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई चलो आता है अपने सो दैट्स बेटर टू डू होगा क्या ओनली ऊपर वाला नोज भाई क्या होने वाला है चलो नेक्स्ट यूएस डॉलर इज कोटेड एट एटी एंड सिक्स मंथ फॉरवर्ड इज एटी फोर एनुअलाइज फॉरवर्ड इज वन डॉलर इक्वल टू एटी फोर सो एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन कितना होगा अभी सुनो 80 का 84 हुआ है सो so, अगर मैं इसको फॉर्मूला के अप्लाई हिसाब से अप्लाई करूं तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, तो एटी 80 बाई एटी 80, तो, तो ये हो गया मेरा फाइव परसेंट ध्यान रखना फाइव परसेंट इज फॉर सिक्स मंथ्स, तो बारह महीने के लिए कितना इट विल बी टेन परसेंट Got it, everybody. So, <laughs> so it is going to be ten percent. Ten percent. ठीक है. चलो ऊपर वाला and CCM के ऊपर नहीं. देखो मैं एक बात बता हूँ. इंस्टीट्यूट का ट्रांसपेरेंसी इतने हाई लेवल का है ना कि वो सीसीएम जिसका आपने नाम लिखा है ना मैं पर्सनली जानता हूं और उन्हीं के सन या डॉटर ने एग्जाम दिया है एंड तीन अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं हो पाया है उनका भी तो ऐसा नहीं है कि सीसीएम का पास सब रहता है और सीसीएम का बच्चा देगा तो पास हो जाएगा नहीं होगा मेरा एक फ्रेंड है वो जहाँ पे आर्टिकल शिप करता था ना उसका बॉस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए एंड उसका लड़का सी फाइनल का एग्जाम दे रहा था वही अटेम्प में जिस अटम्प में वो आईसीए का प्रेसिडेंट था वही अटेम्प में वो लड़का फेल हो गया <laughs> तो टेंशन नहीं लेने का तो ऐसा है भैया ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं मुझे आया ही नहीं था मतलब आया था मतलब मुझे डायरेक्टली उसका आंसर नहीं पता था पता चला मुझे ढूंढना पड़ा और फिर मुझे आंसर पता चला कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसी स्वॉप्स टू फिक्स्ड टू फिक्स्ड करेंसी स्व इज कॉल्ड एज वनीला सर्किस एक्सटेंसिबल रोलर कोस्टर ठीक है सो वनीला स्वप नहीं है ये मुझे पता था वनीला स्व तो सिंपल है फिक्स टू फ्लोटिंग फ्लोटिंग टू फिक्स बट इसमें देखो क्या बोला है टू फिक्स्ड फ्लोटिंग टू फिक्स्ड फिक्स्ड टू तो इसको बोलते हैं सर्कस कंबाइंड इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी क्या बोलते हैं इसको कंबाइंड इंटरेस्ट देखो आइडियली ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस जैसा हो गया काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं मुझे देखना पड़ेगा कि यह इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में अपना दिया है कि नहीं दिया है कंबाइंड इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी स्वॉप तो ध्यान रखना टू 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 मतलब सर्कस मतलब सर्कस डन नेक्स्ट व्हाई डज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट हाउ डज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब कोई बताओ मुझे देखो सुनो एक होता है एक्सपोर्ट एक होता है इंपोर्ट समझो आपने एक्सपोर्ट किया सौ रुपए का आपने इंपोर्ट किया वन फिफ्टी रुपीज का आपको हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट कितने का करंट अकाउंट डेफिसिट रुपीज फिफ्टी का रुपीज फिफ्टी का क्या हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में आया अब अगर मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट है मतलब कहना है मेरा इंपोर्ट ज्यादा है मतलब इंपोर्टर ज्यादा है मतलब वो लोग को डॉलर भेजना पड़ेगा अब अगर अपन लोग डॉलर भेज देंगे तो डॉलर भेजने के लिए कभी भी याद रखना इंपोर्टर इंपोर्टर मतलब कैन आई से फॉरेन करेंसी क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी भेजना है आउट ऑफ इंडिया तो अगर इफ गोइंग टू बाय फॉरेन करेंसी तो तो बहुत बुरी न्यूज है यार मेरे लिए सो इट रिजल्ट्स इन डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी क्योंकि अगर मैं डॉलर को परचेस कर रहा हूं तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा कोई भी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस सीधी सी बात है बढ़ना ही बढ़ना है So, depreciation of home currency. Depreciation of home currency. Next, TNL Limited has submitted its bid with bond guarantee of its bank for greenhouse gas construction project in Australia with expected cash flows over the next three years. Through its pricing, though its pricing is very competitive, it is not sure of securing it due to other factors. But if secured, it has a huge exchange risk in invoicing currency. क्या लिखा पता है हमको पता नहीं है कि ये टेंडर हमारे को मिलेगा कि नहीं हमने बिड किया, किया है कि, और हमको है कि मिलेगा बट नहीं मिला तो, तो यह तो रिस्क है सो कौन सा ऐसा डेरीवेटिव है जो अपने को यह एक अश्योरिटी देता है कि हमारे हिसाब से चीजें नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना लॉस लिमिटेड ही रहेगा क्या फॉरवर्ड ये अश्योरिटी देता है द आंसर इज नो क्या फ्यूचर्स ये अश्योरिटी देता है द द आंसर आंसर इज इज नो ऑप्शन देता है यस बिकॉज yes, यहां पे मेरे को खाली प्रीमियम ही पे करना है मेरे को खाली प्रीमियम ही पे करना है सो so, अगर मेरे फेवर में कॉन्ट्रैक्ट आया तो वेल एंड गुड आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन अगर मेरे फेवर में नहीं आया तो इन दैट केस में बोलेगा प्रीमियम लेके भागो यहां से मेरे को एक्सरसाइज नहीं करने का मेरे पास राइट है मेरे पास राइट है समझ में आ गया करेक्ट फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर बाइंडिंग ये अगर लिया तो फंस गया क्योंकि अगर फ्यूचर्स लिया और आपके हिसाब से नहीं हुआ देन इन दैट केस आपको रिवर्स उसका तो ट्रांजेक्शन जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तब तक फ्यूचर्स कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा फॉरवर्ड में एक बार आपने रेट कोई फ्रीज कर दिया फिर आपको उसको उसको उतना जाके पैसा देना ही पड़ेगा तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स तो अंटीन वेरी श्योर हो यू कैनॉट एंटर ऑप्शन में ये है कि हाँ भाई चल श्योर नहीं है प्रीमियम दिया है देखो अपने फेवर में आया एक्सरसाइज करो फेवर में नहीं आया चल प्रीमियम दे खत्म हो गया <laughs> समझे क्या गाइस यस यस आइए आइए शाबाश चलो डन क्लियर है सर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होगा ना एग्जाम में हाँ हाँ हंड्रेड परसेंट पर अरविंद कहा है क्या बेटा चलो नेक्स्ट स्वॉप्स भी अपने लोगों को कमिट हो जाते हैं अपन नेक्स्ट है, हाउ कैन एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट द एक्सचेंज रेट

क्यों स्पेक्युलेशन की वजह से हो रहा है लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि कहीं पे वॉर हुआ तो तो गोल्ड अच्छा है चलो यूएस का फेड रेट यूएस का गिरने वाला इंटरेस्ट रेट चलो डॉलर ले लो यूएस गोल्ड ले लो अच्छा है अपने लिए तो वो स्पेक्युलेशन की वजह से ये सब चीजें हो रही है भैया सो वॉट वी विल से

ओ माय गॉड उजेंड कितना जल्दी बढ़ गया अबे नहीं है अभी मोतरमा से हंड्रेड बॉस एक महीने पहले मैंने लेजिट देखा है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड पे और मैंने बोला अरे बहुत ज्यादा है कौन खरीदेगा नहीं खरीदने का है ये देखो आज सेवेंटी सिक्स पे पहुंच रहा है भाई एक महीना लेजिट एक महीना नो जोक्स क्या बोले अभी घर वाले गाली दे रहे बोल रहे तेरा सुनना ही नहीं चाहिए था है वो है अभी क्या बोले ये देखो ये इधर जब ये लेवल पे था ना एक महीना पहले देखो तो मेरे को घर वालों ने बोला था ले लेते हैं मैं बोला नहीं नहीं बहुत ज्यादा है नहीं लेने के बैठे रहो अभी और क्या चलो नेक्स्ट एन इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपेक्टिंग रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर फाइव मिलियन प्लानिंग टू हेज इज पोजिशन बाय कॉन्ट्रैक्ट शुड अब सुनो इंडियन एक्सपोर्टर ठीक है हम्म चलो अब सुनो इंडियन एक्सपोर्टर है और उसको क्या करना, करना है पोजीशन यूजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो वो क्या करना चाहिए उसको आ गई हमारी मैजिक बुक का मैजिक टेम्पलेट ये एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर क्या सीन है उसका अगर फॉरेन करेंसी में है तो ही शुड बाय पुट ऑप्शन अगर होम करेंसी में है तो ही शुड बाय कॉल ऑप्शन सिंपल तो यहां पर देखो क्या ऑप्शंस दिया हुआ है उसने देखो जरा अगर अभी यहां पे बाय कॉल ऑप्शन इन यूएसडी नहीं अगर फॉरेन करेंसी में है हेलो सुनो फॉरेन करेंसी में है तो पुट ऑप्शन लो सो so, अगर फॉरेन करेंसी में है तो पुट ऑप्शन है क्या ये रहा बाय नहीं 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 बाय पुट ऑप्शन इन यूएसडी यस 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 बाय पुट ऑप्शन इन यूएसडी है सो वी विल गो एड विद दिस ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन इन यूएसडी और दूसरा दूसरा क्या है कॉल ऑप्शन होम करेंसी कॉल ऑप्शन तो अगर अपने को चाहिए तो ये ऑप्शन भी है बाय कॉल ऑप्शन इन आई पी चलेगा इंस्टीट्यूट ने सेकेंड वाला लिया है, पर मैं बोल रहा हूं ठीक है सो बाय पुट ऑप्शन इन यूएसडी ठीक है सो इंडियन एक्सपोर्टर बाय पुट ऑप्शन इन यूएसडी का क्लियर डन ट्रेडर हैज़ हैज्वेंटी लॉट्स ऑफ यूएसडी आई एन आर इन एक्सचेंज वन लॉट डॉलर वन थाउजेंड वायर करेंसी फ्यूचर्स ही डेल्ट एट अ फ्यूचर प्राइस ऑफ़ पर डॉलर फॉर थ्री मंथ्स करंटली फ्यूचर प्राइस इज ट्रेडिंग एट यूएस आई एन आर एटी टू फॉर पर डॉलर द एम टू एम ऑफ अ ट्रेडर इन एक्सचेंज शाल बी बोलो क्या आएगा मार्क टू मार्केट मतलब क्या हो रहा है मेरे को कितने का फायदा होगा लॉस होगा जो भी है सो अ ट्रेडर सोल्ड वन ट्वेंटी ट्वेंटी लॉट ही सोल्ड ट्वेंटी लॉट्स ही डेल्ट एट फ्यूचर प्राइस ऑफ सेवेंटी एट करंटली फ्यूचर प्राइस ट्रेडिंग एट एटी टू बोलो कितने का उसको मार्क टू मार्केट होने वाला है यार इसमें कुछ तो मतलब दिमागी नहीं लगाना है सेवेंटी टू माइनस सेवेंटी एट कितना है एटी टू माइनस सेवेंटी एट फोर इंटू वन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी का लॉट है भाई तो फोर थाउजेंड इंटू ट्वेंटी ये आ गया एट्टी थाउजेंड बस तो ले लो भाई एट्टी थाउजेंड के हिसाब से हो जाएगा एट्टी थाउजेंड So, exchange, आल भी लिखना तो ऑफ तो आप तो आपको, आप, आप तो आपको तो चार रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए बाय एटी टू सेल सेवेंटी एट चार का नुकसान एटी थाउजेंड का नुकसान ओवरऑल समझे मेरा ट्वेल्थ नेक्स्ट चलो अरे वाह फॉरेक्स हो गया अरे वाह फॉरेक्स हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं विच इज आई एफ एम देखो ये तुम लोग आंसर दिया है तुम लोग एक बार देख लेना अब आई एफ एम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज क्रूशियल इन मल्टीनेशनल कैपिटल बजेटिंग बोलो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के लिए कैश फ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स नॉट एट ऑल मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के कैश फ्लो से क्या लेना देना है मेरे को प्रॉफिट्स रेमिटेड टू होस्ट कंट्री कोई लेना देना नहीं उससे भी इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यस यस इसी से मुझे डर है ऑन द पेरेंट फर्म्स कैश फ्लो यस तो थर्ड पॉइंट चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द पेरेंट कंट्री इससे भी को को मेरे को कोई नॉट मच मेरे को मेन किससे लेना देना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में कैपिटल बजटिंग में फॉरेक्स का इन्वॉल्वमेंट

प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एन इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑन अकाउंट ऑफ उनका कैसा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक ही बार देना है इंटरेस्ट रेट में बार बार इंटरेस्ट देते रहना है बार बार आपको इंटरेस्ट देते रहना है सो so, दैट their working आर वर्किंग भाई जितनी बार आप जितनी बार आप इंटरेस्ट देते जाओगे उतना नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बट फॉरवर्ड में एक ही बार देना है so, इसके लिए पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस का आंसर उन्होंने लिखा है बट आपको फिर भी बेटर आंसर पता हो तो मुझे बताना जरूर जहां पे लॉजिक इन्वॉल्व है ना वहां पे मैं बता ही दूंगा जहां पे जहाँ भी पूछते हैं लोग क्या कभी कभी ठीक है ध्यान रखने का इन शॉर्ट इंटरेस्ट रेट सो मतलब बार 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 बार, बार इंटरेस्ट का चेंजेस होते जाएगा सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा होगा फॉरवर्ड में तो क्या एक बार दिया बात खत्म नेक्स्ट क्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सपोज ए लिमिटेड इज एंटरिंग इंटू एन इंटरेस्ट रेट स्वशनल सर एग्जाम में एमसीक्यू में प्रैक्टिकल आएगा तो हमें करना है क्या नहीं रफ वर्क में सपोज ए लिमिटेड इज एंटरिंग इंटू एन इंटरेस्ट रेट स्व विद नोशनल प्रिंसिपल ऑफ टेन लैक एट द बिगनिंग ऑफ द स्वाफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द काउंटर पार्ट मस्ट एक्सचेंज आंसर उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है विदेशनल प्रिंसिपल बॉस अगर नोशनल प्रिंसिपल है तो बात ही खत्म हो गई पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है तो आंसर इज जीरो आंसर इज जीरो समझे नेक्स्ट अब पब्लिक बोल रहा है कि सर टाइम ऑफ पेमेंट नहीं हो सकता क्या हो सकता है क्योंकि इसमें भी तो इसमें एक ही बार पेमेंट करना है इसमें अलग अलग बार पेमेंट करना है हो सकता है बट अभी फिलहाल we'll, we'll we'll थोड़ा मैं भी और दिप, दिप करता चाहिए तो liabilities ये है हमारा सबका फेवरेट प्लेन वनीला स्वॉप क्योंकि प्लेन वनीला स्वॉप में प्लेन वनीला स्वॉप में आपको रियल एक्सचेंजेस नहीं करना होता है खाली नोशनल लेवल पे पूरा करेंसी स्व वर्कआउट हो जाता है और फिर जो डिफरेंस है खाली वो एक दूसरे को आपको देना पड़ता है आपके BOS, MCQ, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे कुछ नॉट सो रेलिवेंट बट कर लिया अपन ने एटलीस्ट अपने को एक बार शांति मिल गया कि आइश अपना ये हो गया अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आया मैं बोलता टोटल, मैं सारे टोटल, तीस में से दस मार्क भी अगर हाफ एन आवर डाल डाल के तो अनप्रोडक्टिवली वेस्ट करते हैं उससे अच्छा यार एक बार सुन लिया टेंशन खत्म अब इस, जितना किया है ना वो तो इतने अच्छी तरह से कर लिया कि अपने को पीछे मुड़के देखने की जरूरत ही नहीं है ना चलो अभी आप लोगों को और क्या चाहिए मुझे बताना कमेंट में एंड आई विल मेक इट नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बताओ तुम लोग नेक्स्ट सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए एक चीज बताता हूँ एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए तो और थोड़ा क्लैरिटी से बताऊंगा और वो है मेरा ये मैंने जो तुम लोग के लिए यार फ्री चलो वो मेरा शायद ओपन भी नहीं हो रहा है फ्री मैंने ना लेक्चर्स डाला है फ्री एमसीक्यू है ट्राई करो वो सब फ्री में क्या फर्क पड़ रहा है देने में अपने नेक्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो थियोरी करो जैसा तुम लोग बोलो तो यहां पे है ना ट्राई करो देने का ये एग्जाम लॉग इन करो टेस्ट सीरीज में जाओ सीए फाइनल में लॉग इन करके टेस्ट सीरीज में जाओ और इधर एमसीक्यू टेस्ट के ऊपर क्लिक करो और इधर जाओ तो फ्री में तुम लोग को टेस्ट मिलेगा मैं कल और डिटेल में बताऊंगा यू विल गेट इट ठीक है सो इन शॉर्ट फ्री एमसीक्यूज कमिंग अप मैं टेलीग्राम पे पूरा डिटेल डाल दूंगा ट्राई टू गिव इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम लिंक का मिल ही जाएगा तुम लोग को गो टू इट मजा आ जाएगा बाकी ये पीडीएफ प्लीज बराबर से देख लेना ये पीडीएफ में मैंने क्लिक एंड प्ले वाले सब रिविजन लेक्चर डाल दिए क्लिक करो क्लिक करो और सीधा वो रिविजन लेक्चर पे पहुंच जाओगे ठीक है श्योर सर ए का यस yes, मैं कल सब डिटेल डाल दूंगा फ्री ए का वेबकेट पे कैसे तुम लोग को टेस्ट देना है ठीक है एमसीक्यू टेस्ट सर प्रैक्टिकल का भी थियोरी चैप्टर्स प्रैक्टिकल चैप्टर्स का भी थियोरी करवा दो करवा रहा थोड़ा सा टाइम दो उसी के ऊपर काम चल कंटेंट पे करवा दूंगा बट मैं वेरी वेरी सुन करवा दूंगा ठीक है चलो टाइम फॉर मीडू से